नमस्ते सबको, मेरी तरफ से और फल दीदियों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। और यहाँ से अपना रूटीन स्टार्ट है, ठीक है, हेयर फॉल को लेके, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है यहाँ पर आने के बाद में। और मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी तो मैंने बोल बताया था थोड़ा आधे 1 घंटे पहले, पर बहुत से लोग नहीं आ पाए थे। तो अब मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको आरवी गौर के नाम से भी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा शायद, और नहीं तो आपको आरवी देव शर्मा के नाम से आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी मेरी, ओके। और मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम rv.com देव शर्मा के नाम से है, तो आरवी देव शर्मा से भी सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं कलौंजी का पानी लगा रही हूँ, जैसे मैंने उबाल कर छान कर भर लिया है, और उसमें रोजमेरी और लेवेंडर वाला एसेंशियल ऑयल डाले हैं मैंने दो, तो मैं यही लगा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा सामान उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे मैं लाती जा रही हूँ, मंगाते जा रही हूँ, तो वो कर रही हूँ अभी, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सेटल होने के लिए। तो और क्योंकि हेयर फॉल को रोकने के लिए कलौंजी का पानी बेस्ट होता है, एक राइस का पानी और कलौंजी। जब आपका किसी से भी हेयर फॉल नहीं रुकता है ना, तो आप दो ही चीजें इस्तेमाल कीजिए, एक तो कलौंजी का पानी, एक राइस का पानी, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी हैं, जब कोई हम काम नहीं करता है तो हमें ये चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, और इनसे थोड़ा सा टाइम लगता है, पर ये चीजें जल्दी से वर्क करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ओके जी। तो राइस के पानी में इसको भिजो सकते हो, मेथी, कलौंजी, आंवला, सीकाकाई, ठीक है। और अगर आप इसमें लेना चाहते हो तो आप एंड में दही मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी दही उपलब्ध नहीं है, तो मैंने केवल राइस का जो पानी है वो लिया है, और इसमें मैंने सना का जेल लिया है। सना का जेल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो लिया है, ठीक है। ये पैक मैं मेरा यहाँ पे आने पे, मतलब ससुराल पे, ससुराल आई हूँ ना, तो पानी चेंज हो गया। पानी चेंज होने की वजह से बाल झड़ रहा है, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बाल भी टाइट हो रहा है, एकदम ऐसे हो गए रूखे रूखे से, तो उसके वजह से ये पैक बनाया है मैंने। और इस पैक को कम से कम मैं वीक में 2 बार लगाऊंगी, तो महीने में तो कम से कम 5 से 6 बार लगाऊंगी इसको, 6 से 8 बार 9 बार इस पैक को लगाऊंगी, ताकि अगर मैं कोई और पैक भी लगाती हूँ तब भी मैं इस पैक को लगाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे बाल वापस से सही करने हैं, क्योंकि बहुत डैमेज हो चुके हैं और बहुत ही खराब हो चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि दीदी मेरे बाल कितना गया है, यहाँ पे बताती हूँ आपको, बहुत बाल जा रहा है मेरा। इससे भी ज्यादा बहुत, अगर केयर ना करूँ ना, मैं केयर ना करूँ और ये सारी चीजें ना करूँ तो मैं कब की टकली हो जाऊँ, इतना मतलब मेरा बाल गया है यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा। और वीडियो के लिए टाइम नहीं मिला था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है जब नई जगह हम जाते हैं वहाँ सारी चीजें हम शिफ्ट करते हैं तो होता है, ठीक है। बालों का मैंने यहाँ पे टंगा के रखा है, जब भी मेरा बाल निकलता है मैं इसमें पैक पटक डालती हूँ। और अभी मैंने तो मेरे जो कमरा है उसमें काम चल रहा है, लाइट फिटिंग हो रही है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ मतलब किचन की जगह पे आना पड़ा है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए, और मैं आपको अच्छी से अच्छी रेमेडी फिर से लाने की कोशिश करूँगी। और मैं, क्योंकि अब तो मेरा भी हेयर फॉल स्टार्ट है, तो मैं और हेयर फॉल से, मतलब जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है मेरे तरह इस तरीके से, तो मैं जो रेमेडी लगाती हूँ वो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना, ताकि आपको अच्छे से फायदा मिले उस चीज का, ओके। और
लव यू इतना प्यार देने के लिए मुझे बहुत, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद करने के लिए। सबके अच्छे कमेंट आए हैं, सबने बहुत सारा प्यार दिया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू। अब इसको हम पीस लेते हैं, पीसने के बाद में लगाना कैसे वो देखते हैं। ओके, मैं पीस के लेके आ चुकी हूँ। मैं पीस के लेके आ चुकी हूँ और हमें कितना बारीक पीसना है और कितना, मतलब इसे मोटा रखना है या थिक रखना है हमें, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। पैक इतना बारीक होना चाहिए कि वो आसानी से हमारे बालों से निकल जाए। हमें इस तरीके से पैक को पीसना है, ठीक है। ज़्यादा हमें पतला भी नहीं रखना है, ताकि जो, मतलब जो पैक है, मतलब हमारे बालों से निकलता चला जाए। मैं यहाँ पे सामने वो बैठे हुए हैं, तो वो मेरे से लग रहे हैं कुछ ना कुछ कहने, तो मैं वही उनसे थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ और लगा भी रही हूँ पैक। और आपको पता है मैं पैक हाथों से ही लगाती हूँ, तो आपको ये पैक अपने बालों की जड़ों में लगाना है, बिल्कुल अच्छे से लगाना है। इसको मैं आपको एक बार बना के बताऊँगी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास अभी टाइम की कमी थी तो इसलिए, पर अब आपको मेरी जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से मिलेगी अच्छे से, और हो सका तो मैं पूरा अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। और थोड़ी बहुत बीच बीच में आप लोगों के लिए मैं जैसे वीडियो है मेरी, जो भी मैं करती हूँ पूरा रूटीन फॉलो करती हूँ, घर के काम से लेके सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये पैक हमें 2 घंटे के लिए लगाना है अपने बालों में, ठीक है। 2 घंटे हमें लगा के रखना है और धुले हुए बालों में लगाना है, ठीक है। आप 1 दिन पहले अपने बालों को धो सकते हो, जैसे मैंने बता रखा है पहले भी आपको कि आपको पहले 1 दिन पहले अपने बाल धो लेने हैं, ठीक है। अगर आप शाम को धोते हो तो सुबह आपको पैक लगाना है, ठीक है। और आप मॉर्निंग में भी धो सकते हो, पर मैं जैसे तर ज़्यादातर मैं शाम को धोती हूँ 1 दिन पहले बालों को, और फिर मैं शाम को धोने के बाद में अच्छे से सुखा के उसमें हेयर प्रोटीन या जो आप टोनर बोलते हो, या मैं हेयर प्रोटीन भी लगाती हूँ ज़्यादातर, और आप टोनर भी लगा सकते हो जैसे, तो वो नाइट में आप लगा के सो जाएं और फिर सुबह मॉर्निंग में आप पैक लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप मॉर्निंग में भी एक बार आप हेयर प्रोटीन या टोनर लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा के उसे 1 घंटे के लिए छोड़िए, या आधा घंटे या 10-15 मिनट के लिए छोड़िए, फिर आप पैक लगाइए, ठीक है। और पैक लगाने के बाद में आपको 2 घंटे के लिए पैक को छोड़ना है, और फिर आपको बिना शैम्पू के सादा नॉर्मल वाटर से आपको बालों को धोना है, ठीक है। हाँ, शैम्पू से अगर धोते हो तो प्लीज़ एक बार ही शैम्पू इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपके बाल रूखे रूखे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये पैक मैं हेयर फॉल के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है मेरा कितना हेयर फॉल हो रहा है। 3 तारीख हुई है पर मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ है और बहुत ही पतला बाल हो गया है मेरा, तो इस वजह से मुझे ये पैक लगाना पड़ा है, और इस वजह से मैंने ये पैक स्टार्ट किया है। और इसके साथ में मैं कलौंजी का टोनर लगा रही हूँ, कलौंजी का पानी बोल लो या आप हेयर प्रोटीन बोल लो, जो कलौंजी वाला लगा रही हूँ मैं। आप कलौंजी का उबाल के भी बना सकते हो और उसे भिजो के भी बना सकते हो, मैं इसके साथ में वो लगा रही हूँ। और आगे आगे आप वीडियो में देख सकते हो, और भी मैं वीडियो अब प्रॉपर तरीके से डालूँगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, और तहे दिल से आप लोगों का फिर से शुक्रिया करती हूँ बहुत सारा। आपने इतना प्यार दिया है मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू। और बस आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, और अपना जो रूटीन चालू होगा वो यहाँ से मैं हेयर फॉल को रोकने से ही लेके स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरा खुद का हेयर फॉल बहुत हो रहा है। आप बोलते हैं ना दीदी, मेरे को, मुझे लगता है मेरे बालों को नज़र लग चुकी है बहुत भयंकर वाली, तो वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
हालांकि तो बस इस पैक को आपको कवर नहीं करना है और आपको ऐसे ही लगाना है, ठीक है, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर